सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ CSS में एक नया टॉपिक फॉन्ट। अब इससे समझने से पहले मैं आपको जो पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था उसका एक फास्ट रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। मेरे फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम लोग एक्सटर्नल स्टाइल से लिंक रिलेशन लिखकर हम लोग उसका पाथ दे सकते हैं। फिर मैंने आपको यहाँ बताया कि अगर आप चाहें तो आप इनलाइन भी उपयोग ले सकते हैं स्टाइल शीट को, और इसके अलावा अगर आप उपयोग लेना चाहते हैं इंटरनल तब आप स्टाइल लिखकर भी उसके अंदर स्टाइल शीट की कोडिंग डाल सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर डाल रखा है। एक मैंने आपको बनाना सिखाया आईडी, जिसके लिए मैंने स्टाइल शीट के अंदर आपको बताया कि हम लोग हैश का उपयोग आईडी बनाने के लिए लेते हैं, जबकि डॉट का उपयोग हम लोग क्लास बनाने के लिए लेते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, इस तरह से आपको जितने भी ऑप्शन थे बैकग्राउंड फिक्स तक आपको बताया। अब आप देखिए कि जैसे ही मैं इसको रन कर रहा था तो ये हमें इस तरह से हमें आउटपुट शो कर रहा था। अब देखिए इसी चीज़ को अगर हम लोग समझें तो जैसे कि मैंने यहाँ पर जो हमने एक एक्सटर्नल इमेज ली थी जिसका नाम मैंने आपको पैराग्राफ से पहले उपयोग लिया था, जिसका नाम था डिवीजन क्लास बैक इमेज, अगर मैं चाहूँ तो मैं इससे अलावा भी एक और ले सकते हैं। अब आप देखिएगा कि इसमें कितना इंटरेस्टिंग चीज़ एक बनेगी। अब जैसे ही मैंने इसको लिया और यहाँ पर इसको मैंने पेस्ट कर दिया, एज इट इज़ डिवीजन क्लास को मैंने लिया, इसको बैक इमेज वन मैंने कर लिया है। आप देखते रहिएगा। अब आप देखिए स्टाइल शीट के अंदर मैं गया और एक और ऐसा कैसा जो ये मैंने ले रखा है, आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, देखिएगा आप एक बार। बैक इमेज वन मैंने लिया और बैक इमेज वन के अंदर मैंने यहाँ पाथ जो है वो मेरी दूसरी फाइल का दे दिया। अब जैसे ही मैं दूसरी फाइल का पाथ दूंगा तो ये bk.jpg का मैंने पाथ दिया और ऊपर covid.png का था, देखिएगा कितना इंटरेस्टिंग चीज़ बनेगी। अब मैंने इसको जैसे ही रन किया तो मैं जैसे इसको रन करूँगा तो ये हमारे यहाँ पर ये जो स्टाइल शीट आ रही थी ये तो इसके अंदर है ही है, और ये हमारे बैक इमेज वन के अंदर हमने एक दूसरी स्टाइल शीट भी बना ली। तो एक बैक इमेज ऊपर हो गई जिसमें हमने पाथ दे रखा है पहली वाली पिक का, एक बैक इमेज और हो गई जिससे हमने पाथ दे रखा है सेकंड वाले का। अब हम इसे रन करते हैं, देखिएगा आप। अब जैसे ही हमने इसको रन किया तो रन करने के बाद जैसे ही मैं स्क्रॉल करूँगा तो देखिए आप ये इस तरह से कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है कि पीछे वाली पिक हट रही है और नई वाली पिक आ रही है। तो ये आपको इस तरह से अगर आपको कहीं ज़रूरत हो तो आप स्टाइल शीट के अंदर बैकग्राउंड के अंदर ये काम कर सकते हैं। अब आप देखिए आज का हम नया टॉपिक लेते हैं फॉन्ट। फॉन्ट के लिए जितना भी लिखा हुआ है मैं इसको डिलीट करूँगा, तो देखिए इसको डिलीट कर देते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से ये जो हमने अभी पिक्चर ली है और ये जो इफ़ेक्ट दिया है, क्योंकि हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, इसी तरह से style.css। और मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो मैं एडिटर यूज कर रहा हूँ इस एडिटर का नाम है NetBeans। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फ्रीली अवेलेबल है और ये जावा, पाइथन और PHP के साथ उपयोग आ सकता है। अब आप देखिएगा कि मैं इसको इसके अंदर अगर मान लीजिए मुझे गूगल का फॉन्ट देना है तो कैसे गूगल का फॉन्ट दिया जाएगा, तो उसके लिए हमने बॉडी के अंदर एक पैराग्राफ हम लोग क्रिएट करते हैं। PID बराबर मैंने ले लिया कोई भी आईडी, जैसे मैंने ले लिया फॉन्ट वन हम लोग ले लेते हैं, और लेने के बाद मैं इसको क्लोज करूँगा। क्लोज करने के बाद इसके बीच हम लोग कुछ मैटर लिख लेते हैं, टुडे वी विल लर्न फॉन्ट ऑप्शन। तो ये आज की हमारी क्लास है जिसे हम लोग फॉन्ट ऑप्शन को देखेंगे, फॉन्ट टैग को देखेंगे। अब वही स्टाइल शीट के अंदर हम लोग जाएंगे, यहाँ पर हम लोग हैश का उपयोग लेकर हैश फॉन्ट वन, आपको मैंने बता दिया है अब हैश से आईडी बनती है। अब हम सबसे पहले
फॉन्ट फैमिली यूज करेंगे। अब देखिए, अगर मैं नॉर्मली फॉन्ट फैमिली यूज कर रहा हूँ तो मान लीजिए मैंने इसमें से कोई भी फॉन्ट फैमिली हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने इसमें ये फॉन्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब क्या होगा, वही मैं इधर आ रहा हूँ आपके इंडेक्स पे, इसको रन करा, रन करने बाद हम इधर आए तो ये इस तरह से इसका फॉन्ट जो है वो आपका चेंज हो जाएगा। मैं इसको बड़ा करके आपको बता देता हूँ। अगर मान लीजिए मैं दूसरा फॉन्ट लेता हूँ तो वापस मैं स्टाइल शीट पे आता हूँ, इसका मैं एक बार हटा देता हूँ और कॉलन, और इसका फॉन्ट का स्टाइल आप देखिएगा चेंज होगा। जैसे मान लीजिए मैंने कर्सिव ले लिया है, कर्सिव आपको इफ़ेक्ट भी याद रहेगा, और इसको मैंने सेव किया। सेव करते ही इसका इफ़ेक्ट सीधा यहाँ हम देख लेते हैं, रन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। टुडे वी विल लर्न फॉन्ट ऑप्शन, ये इस तरह से इसका फॉन्ट ऑप्शन बदल गया है। लेकिन कई बार हम CSS में नेट से भी हम लोग टेम्पलेट या गूगल फॉन्ट डाउनलोड करना चाहते हैं, तो अगर हम लोग गूगल फॉन्ट यूज करना चाहते हैं, अलग से फॉन्ट यूज करना चाहते हैं, तो देखिए ये वेबसाइट बनाने में आपके बहुत अधिक उपयोगी रहेगा। तो आप जैसे ही गूगल फॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने अलग अलग तरह के फॉन्ट दिखाई देंगे, आप उन फॉन्ट का उपयोग आपकी वेबसाइट में उपयोग ले सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर फॉन्ट दिखाई दे रहे हैं, हम हिंदी फॉन्ट भी ले सकते हैं हिंदी की वेबसाइट बनाने के लिए। मैं अभी इसको ले रहा हूँ, इस पर मैंने क्लिक किया। अब अगर मैं इस स्टाइल में से जो भी स्टाइल मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ उस स्टाइल पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे मैंने सेलेक्ट दिस स्टाइल कर लिया और इसको अगर हम देखते हैं तो जैसे ही एम्बेड पे, ये तो रिव्यू था, ये जैसे ही EMBED एम्बेड लिखा हुआ है, इस पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ हमें लिंक रिलेशन लिखा हुआ मिलेगा। इसी तरह से आप टेम्पलेट या आपकी वेबसाइट पे अलग अलग तरह के इफ़ेक्ट दे सकते हैं। मैंने इसको कॉपी कर लिया है, कॉपी करने के बाद मैं नेटबीन्स में आता हूँ, मेरे .html फाइल के अंदर आता हूँ, और जहाँ पर हमारा पहले वाला लिंक रिलेशन है वहाँ पर हम इसे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। अब इसका इफ़ेक्ट देखने के लिए मुझे style.css पे भी जाना पड़ेगा, और जो फॉन्ट फैमिली वाला ये ऑप्शन हमने ले रखा है कर्सिव, इसको हटा देंगे और इसके स्थान पे ये जो इसने CSS का रूल दिया है इसको हम लोग उपयोग ले लेंगे। अब देखिए मैंने इसको कॉपी किया और अब जो कोडिंग हमने वहाँ लिखी थी उसके बदले हम ये कोडिंग डाल देंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है आपकी वेबसाइट को बनाने के लिए, आपका इफ़ेक्ट दिखाने के लिए। अब आपने इसको सेव किया, इसके गूगल पे आप इसको हम क्लोज कर देते हैं। देखिए इसका स्टाइल इस तरह से आएगा। अब मैं इसको मेरे फॉन्ट में देखता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये इफ़ेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही उपयोगी चीज़ मैंने आपको बताई है, किसी भी टेम्पलेट को या फॉन्ट के इफ़ेक्ट को डाउनलोड करने के लिए। अब देखिए ये तो हुआ हमारा फॉन्ट का, अब हम आते हैं अगले ऑप्शन पे हमारे फॉन्ट के अंदर, हम आते हैं style.css पे। जैसे कल पिछले वीडियो में हमने बैकग्राउंड का देखा था, वैसे यहाँ पे हम एक एक करके सारे फॉन्ट के ऑप्शन देखेंगे। अब देखिए फॉन्ट वेरिएंट, देखिए फॉन्ट वेरिएंट जो है, ये फॉन्ट वेरिएंट मैंने ऑप्शन ले लिया। फॉन्ट वेरिएंट ऑप्शन लेने के बाद इसके अंदर मैंने स्मॉल कैप्स या और भी अलग अलग तरह के इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, हम ऑप्शन हमारे अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। तो ये आपको ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस तरह का इफ़ेक्ट लेना चाहते हैं। तो मैं इजी गोइंग जो रहेगा वो आपको बता देता हूँ, स्मॉल कैप्स है जो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, मतलब अक्सर को छोटा जरूर कर देगा लेकिन कैपिटल से चेंज नहीं होगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ, इसका इफ़ेक्ट यहाँ देखते हैं। तो जो हमारा फॉन्ट था उसके ऊपर ये इफ़ेक्ट आपको दिखाई देगा। इसको हम लोग प्ले कर लेते हैं, प्ले करने के बाद में जो हमने लिया है उसे देखिए आप, ये इस तरह से दिखाई देगा। टुडे वी लर्न फॉन्ट ऑप्शन, तो सारे कैप्स में
कन्वर्ट हो गए हैं। ये है स्मॉल कैप्स का कमाल। अब आप देखिए, अगर मैं नेक्स्ट ऑप्शन उपयोग लेना चाहता हूँ तो ये तो मैंने फॉन्ट वेरिएंट लिया था, मैं आपके चाहें तो फॉन्ट के स्टाइल को भी बदल सकते हैं। तो जितने मैक्सिमम ऑप्शन जो आपके यूज आ सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको वेबसाइट बनाने में दिक्कत ना आए। फॉन्ट स्टाइल ये मैंने लिया, लेने के बाद एंटर की प्रेस की। एंटर की प्रेस करने बाद में हम यहाँ पर जो भी ऑप्शन आएंगे उस ऑप्शन में से मैंने इटालिक्स को सेलेक्ट किया है, उसके बाद सेमी कॉलन यूज किया, इसको हमने सेव किया और यहाँ पर इसका इफेक्ट देखते हैं। ये फॉन्ट था जो थोड़ा सा इटालिक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है। अब देखिए, फॉन्ट स्टाइल के बाद में हम लोग आते हैं नेक्स्ट, फॉन्ट के साइज़ को भी हम लोग बदल सकते हैं। जैसे कि फॉन्ट साइज अगर हम लोग ऑप्शन यूज करते हैं तो ये फॉन्ट साइज ऑप्शन है, और फॉन्ट साइज ऑप्शन लेने के बाद अगर हम लोग कॉलन लगाते हैं तो यहाँ पर आपको शो होंगे अलग अलग तरह के फॉन्ट के साइज। आप लार्ज भी कर सकते हैं, स्मॉल भी कर सकते हैं, और अगर आप अपनी मर्जी से कोई साइज देना चाहते हैं तो भी आप दे सकते हैं। जैसे कि मैंने दे दिया 2 EM। 1 EM जो है वो 16 पिक्सल के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, वापस से मैं बोल देता हूँ, 1 EM कितने के बराबर होता है? 16 पिक्सल के बराबर। तो मैंने इसको 2 EM ले लिया है। अब हम इसका इफ़ेक्ट यहाँ देखते हैं। ये देखिए, फॉन्ट का साइज़ बढ़ गया है। और इसी तरह से अगर आप फॉन्ट की जो है फैमिली चेंज करना चाहे या वेट बदलना चाहे तो आप फॉन्ट का वेट भी बदल सकते हैं। फॉन्ट वेट हम लोग ऑप्शन यूज करेंगे, तो यहाँ हमने यूज किया फॉन्ट वेट, और इसको यूज करने के बाद फॉन्ट वेट के अंदर हमने इसको कर दिया। देखिए, इसमें भी अलग अलग तरीके का, हम सीधे ही ऑप्शन ले लेते हैं बोल्ड। जैसे मैंने बोल्ड ऑप्शन लिया, कंट्रोल एस किया, सेव किया, सीधा इसका इफेक्ट यहाँ पर बोल्ड के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। और अगर हम बोल्ड के बदले लाइट लेते हैं तो लाइट हो जाएगा। देखिएगा आप, यहाँ पर मैंने इसको लिया लाइट। इसके ऑप्शन अगर आप छांट के लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, लाइटर हो गया है। और इसको मैं यूज किया, कंट्रोल एस मैंने प्रेस किया और अल्ट टैब मैंने किया, तो ये देखिए इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। और इसके अलावा हम चाहें तो 100 से लेकर 900 तक इसके इफ़ेक्ट को हम लोग चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा ये तो हमारा हुआ फॉन्ट ऑप्शन। और फॉन्ट ऑप्शन के बाद में हम लोग लेंगे जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, टेक्स्ट इंडेंट। टेक्स्ट इंडेंट में क्या होता है? अब मान लीजिए मुझे टेक्स्ट इंडेंट बनाना है, तो सबसे पहले मैं वापस मेरी इंडेक्स वाली फाइल पर आता हूँ, और फाइल का यूज करने के बाद में मैं अपना इफ़ेक्ट देना चाहते हैं हम लोग टेक्स्ट के लिए। तो हम क्यों ना एक नया पैराग्राफ ले लेते हैं, ताकि इसको हम लोग चेंज ना करें। इसकी कोडिंग जो है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर विदाउट टैग, विदाउट ये जो कोन ब्रैकेट है, एंगल ब्रैकेट है, इसका उपयोग लिए बिना मैं आपके डाल के रख दूंगा, ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो मैंने इसका नाम दे दिया है टेक्स्ट वन, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। ये मैंने एक और बना दिया है, इसमें हम लोग लेंगे कौन सा ऑप्शन समझ रहे हैं हम लोग, टेक्स्ट ऑप्शन। तो टेक्स्ट ऑप्शन मैंने ले लिया। अब आते हैं हम लोग स्टाइल सीट पे, वही क्योंकि हमने आईडी बनाई है तो हमने टैब का उपयोग लिया, टेक्स्ट वन का यूज लिया, और लेने के बाद में टेक्स्ट वन को यूज करने के बाद में हम लोग लेंगे फॉन्ट फैमिली। इसके अंदर भी हम लोग ले सकते हैं, तो ये सेम टू सेम ऑप्शन फॉन्ट फैमिली इसके अंदर आ रहा है। और यहाँ से आप जो भी फॉन्ट फैमिली इसके अंदर शामिल करना चाहें वो फॉन्ट फैमिली इसके अंदर भी आप शामिल कर सकते हैं, ये देखिए। और जैसे ही आपने कंट्रोल एस आपने किया, अल्ट टैब आपने किया, तो ये इस तरह से आपको शो होगा। तो इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ताकि जो हमारे दोनों ऑप्शन है वो हमें शो हो सके। तो हमारा जो ये हमने रन किया था, तो इसका इफेक्ट यहाँ पर दिख ही रहा है, टुडे वी लर्न टेक्स्ट ऑप्शन। अब आप देखिए आगे और चेंज करते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस में। अब हम टेक्स्ट की प्रॉपर्टी देखते हैं। टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में नेक्स्ट जो है वो है कलर। कलर लेने मैंने आपको अलग अलग तरीके के ऑप्शन बता रखे हैं। जैसे मान लीजिए मैं रेड कलर ले रहा हूँ, तो मैंने रेड कलर ले लिया, सेमी कॉलन का उपयोग लिया, कंट्रोल एस लिया। इंडेक्स के अंदर हम लोग जाते हैं, यहाँ पर हमने देखा कि कैसा कलर आ गया है, रेड कलर आ गया है।
अब इसके बाद में कलर रेड के बाद में अगर हमें ये पता होना चाहिए कि हमें ज़रूरत क्या है वेबसाइट पे, ये सबसे बड़ी बात होती है। जैसे लेटर स्पेसिंग, मुझे लगता है कि जो हमारे करेक्टर है जो लेटर के वर्ड के स्पेस उनके बीच में आना चाहिए, तो हम लोग यूज़ करते हैं लेटर स्पेसिंग का। लेटर स्पेसिंग के अंदर हम लोग कितने भी पिक्सल का फ़र्क डाल सकते हैं। जैसे 1 पिक्सल का मैंने फ़र्क डाल दिया है, कंट्रोल एस मैंने किया, अल्ट टैब मैंने किया, तो थोड़ा सा इफेक्ट आपको दिख रहा है। लेकिन अगर आप ज़्यादा इफेक्ट से समझना चाहें तो आप ज़्यादा इफेक्ट भी डाल के इसको देख सकते हैं। अब आप देखिएगा, जैसे मैंने इसको किया F5 किया, ये ज़्यादा इफेक्ट इसके अंदर आपको शो होगा। ये हो गया, नेक्स्ट लेटर स्पेसिंग हो गया है। अब देखिए, लेटर स्पेसिंग के बाद में हम लेते हैं वर्ड स्पेसिंग भी ले सकते हैं। तो आप एक बात समझ लीजिएगा कि इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे, ये आपको हेल्प भी करेगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी ज़रूरत क्या है। जैसे कि वर्ड स्पेसिंग में आप लेंथ भी डाल सकते हैं अपनी मर्जी से। तो मैं एक बार 5 पिक्सल का रख लेता हूँ, ज़रूरत पड़ी तो आपको वो अधिक लेकर इसको बता सकते हैं। कंट्रोल एस हमने लिया, अल्ट टैब हमने किया, तो ये देखिए वर्ड के बीच में भी, ये देखिए ये वर्ड है, इसके बीच में भी 5 का स्पेस आ गया है। जैसे कि करेक्टर के बीच में स्पेस आया था सेम टू सेम। और इसके बाद वर्ड स्पेसिंग के बाद में हम लोग लेंगे डायरेक्शन भी ले सकते हैं। जी हाँ, डायरेक्शन जो है ये मैंने आपको HTML के समय भी बताया था। इसके अंदर जैसे राइट टू लेफ्ट ले लेते हैं, राइट टू लेफ्ट मैंने ले लिया, सेमी कॉलन मैंने लगाया, कंट्रोल एस मैंने लिया, तो ये देखिए राइट टू लेफ्ट चला गया है, ये राइट की साइड चला गया है। और अगर आपको चाहिए कि ये राइट टू लेफ्ट ना हो, हमें दूसरा ऑप्शन यूज़ करना है, तो ये लेफ़्ट टू राइट भी आप लोग उपयोग ले सकते हैं। कंट्रोल एस आप करेंगे, ये लेफ़्ट टू राइट चला जाएगा, तो ये भी एक ऑप्शन है। और इसको अगर हम हटाना चाहते हैं तो हम इसको कमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए स्लैश स्टार का यूज़ कर लेते हैं, अगर ये एरर इसको दिखा रहा है तो स्टार स्लैश, ये कमेंट बन गया है। और उसके बाद में जैसे कि हम सी लैंग्वेज में करते हैं, टेक्स्ट इंडेंट भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि टेक्स्ट इंडेंट आपका है, तो आपने टेक्स्ट इंडेंट ले लिया। टेक्स्ट इंडेंट लेने के बाद में आपको अलग अलग ऑप्शन इसमें मिलेंगे। और मान लीजिए आपने इसमें 50 पिक्सल तक का इफेक्ट आप देख लेते हैं, 50 पिक्सल ले लेते हैं, तो टेक्स्ट इंडेंट, इंडेंट होता है कहाँ से ये लेटर आपका स्टार्ट होगा। अब इसका इफेक्ट आपको समझना पड़ेगा, ये आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, इसका थोड़ा सा मैटर जो है वो आपको बढ़ाना पड़ेगा, तब आपको पता लगेगा कि मैटर कहाँ से शुरू हो रहा था और इसका इंडेंटेशन जो स्टार्टिंग जो पोजीशन है वो कैसे चेंज हो गई है, तो ये आप देखिएगा। और इसके अंदर मैं इसको नेक्स्ट लाइन में ले आता हूँ। और अब हम देखते हैं, कंट्रोल एस मैंने किया, अब आप इसमें समझ पाएंगे। देखिए यहाँ से ये जो गैप आ रहा है, यहाँ पर टुडे तक जो गैप आया है वो उसका आया है इफेक्ट, जो कि हमारा है 50 पिक्सल का। और फ़र्क देखना है तो 150 पिक्सल हम लोग कर लेते हैं, कंट्रोल एस मैंने किया। अब आपको यहाँ पर ये इफेक्ट आपको दिख रहा है 150 का, जहाँ टुडे से स्टार्ट हो रहा था ये ऊपर वाले, अब ये विविल से स्टार्ट हो रहा है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट जो है टेक्स्ट इंडेंट के बाद में हम लोग लेते हैं, टेक्स्ट इंडेंट को भी हम लोग कमेंट बना देते हैं। देखिए स्लैश स्टार, और इसको मैंने भी कमेंट बना दिया। अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म या टेक्स्ट अलाइनमेंट भी ले सकते हैं। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट मैंने लिया, टेक्स्ट अलाइनमेंट के अंदर मैं ऑप्शन देना चाहता हूँ, जैसे कि आपका है लेफ़्ट टू राइट भी ले सकते हैं, राइट टू लेफ्ट, लेफ़्ट अलाइनमेंट हो गया, राइट अलाइनमेंट हो गया। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस 2016 की जो है ऑप्शन, उसमें मैंने ये चीज़ें आपको समझाई है। और इसका इफेक्ट आप देखेंगे तो ये सारा लेफ़्ट अलाइन हो जाएगा। अगर आप इसी तरह से इसको राइट करेंगे तो ये आपका राइट अलाइनमेंट भी हो जाएगा, मतलब सारा टेक्स्ट जो है वो देखिए अब राइट की तरफ से चला गया है। तो ये अलग अलग ऑप्शन है, राइट है, और भी अगर आप जिस तरह से टेक्स्ट को अलाइन करना चाहते हैं उस तरह से इसको अलाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद में सेंटर करना चाहे तो मैं सेंटर भी करके आपको बता देता हूँ। उसके अंदर आपको यहाँ लिखना है सेंटर टेक्स्ट अलाइनमेंट। अब आपका ये जो टेक्स्ट है, कंट्रोल एस मैंने किया, अल्ट टैब मैंने किया, सेंटर अलाइनमेंट हो गया है। तो ये अलग अलग ऑप्शन है टेक्स्ट अलाइनमेंट का। अब देखते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, मतलब अगर कोई भी करेक्टर लोअर केस में लिखा हुआ है
तो ये सारे उन करेक्टर को अपर केस में बदल देगा। तो बदलने के लिए आपने लिया टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म आपने लिया। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लेने के बाद में आपने उसको किस में कन्वर्ट करना है, अपर केस में। तो अपर केस आपने लिया और उसके बाद कंट्रोल एस आपने किया, अल्ट टैब आपने किया, तो सारे कैप्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। अब देखिए आगे, अब अगला जो टैग है वो है लिंक टैग। तो लिंक टैग में हम लोगों ने हाइपरलिंक बनाना सीखा था एचटीएमएल के मेरे वीडियो में, बस उसी तरह से काम करेगा। जैसे मैं लिखा ए, फिर मैं हाइपर रेफरेंस दूंगा, हाइपर रेफरेंस मैं दूंगा पाथ। अब मैं मेरे पास में जो पिक्चर है ये तो उसका पाथ दे रहा है, अगर कोई फाइल हो तो उसका भी पाथ दिया जा सकता है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि कोविड जो है उसका पाथ हम लोग दे देते हैं यहाँ पर। और उसके बाद में अगर आप टारगेट देना चाहते हो तो टारगेट आप ब्लैंक हो गया, ब्लैंक पे रख सकते हो। और भी मैंने कई आपको ऑप्शन हाइपरलिंक के समय आपको बताए थे। ये मैंने क्लोज किया, क्लोज करने के साथ ही मैं इसके अंदर लिख देते हैं कि दिस इज़ द हाइपरलिंक एग्जांपल। तो ये हाइपरलिंक का एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। तो सब जो भी कलर इससे संबंधित जो भी एट्रीब्यूट चेंज होंगे वो सारे इसके ऊपर ही चेंज होंगे। अब ये मैंने बनाया, इसको मैंने सेव किया। अब मैं आ गया स्टाइल सीएसएस पे हमारी फाइल पे। अब लिंक से संबंधित क्या क्या एट्रीब्यूट होते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि लिंक में हमने लिखा ए और फिर आप देखिए कॉलन मैंने लगाया। कॉलन लगा के हमारा पहला एट्रीब्यूट है लिंक। ये देखिए अपने आप आ गया, लिंक आ गया है। लिंक के अंदर हमने कलर चेंज का ही सारा इफेक्ट इसके अंदर रहता है। मान लीजिए मैंने दे दिया यहाँ पर कलर और रेड कलर मैं दे देता हूँ, रेड कलर हो गया और ये मैंने सेमी कॉलन लगा दिया। इसी तरह से ये तो हुआ कि हमारा लिंक दिखेगा कैसे। और अगर हम उसको विजिट कर लेते हैं तो विजिटेड हो गया, मतलब विजिट होने के बाद वो कैसा दिखेगा। विजिटेड होने के बाद में भी हम लोगों को कलर डिसाइड करना पड़ेगा, तो हमने कलर डिसाइड कर दिया ग्रीन। अगर वो विजिट हो जाता है तो उसके बाद में वो कैसा कलर दिखाएगा, ग्रीन कलर दिखाएगा। उसके बाद सेमी कॉलर मैंने लगा दिया। उसके बाद में जो भी हमारा लिंक होता है उसके ऊपर अगर हम माउस का कर्सर हम लोग लेके जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं हॉवर। तो हॉवर जो है उसका जो इफ़ेक्ट है वो कैसा दिखाई देना चाहिए उस समय, तो मैंने उसके लिए ले लिया है कलर ब्लू ले लेता हूँ मैं। तो मैंने ले लिया कलर ब्लू, कलर ले लेते हैं हम लोग। ये आ रहा है ब्लू कलर, एंटर की दबाई, सेमी कॉलर लगा दिया। इसी क्रम में पावर के बाद में हमारे है एक्टिव। एक्टिव कैसे होता है, जब हम उसको प्रेस करते हैं कई देर तक, जब हम कर्सर वहाँ रखेंगे तो वो हो जाएगा एक्टिव। एक्टिव के लिए हमने लिखा है कलर, जैसे कि अब हमारा रेड हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन, येल्लो रख लेते हैं ना, तो कलर हमने रख लिया येल्लो। तरह से हमने सब तरह के जितने भी कलर थे वो सारे हमने रेड ग्रीन ब्लू और येलो हमने ले लिया। अब हमने इसको सेव कर लेते हैं। तो ये सेव किया, सेव करते ही ऑटोमेटिकली गूगल क्रोम पे आपको लिंक दिख रहा है, दिस इज़ द हाइपरलिंक। अब आप देखिए मैं इसके ऊपर, क्योंकि शुरू का कलर क्या था, रेड कलर था, ये देखिए आपकी कोडिंग के अंदर कलर क्या था लिंक का, रेड था। और मैं इसके ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ तो कैसा कलर आ रहा है, ब्लू कलर आ रहा है। वो देखिए आपका यहाँ पर कौन सा कलर आ रहा है, ओवर करने पे ब्लू कलर आ रहा है। और एक्टिव कैसे होगा, जब मैं इस पर माउस को ले जा के, ये देखिए येलो कलर हुआ था, यानी कि जब मैं उसको कई देर तक प्रेस करता हूँ तो वो कलर हो जाएगा येलो कलर। ये हो गया कोविड, हमारे लॉकडाउन का समय। और उसके बाद में जो है ये कैसा कलर दिखा रहा है, ग्रीन कलर। ग्रीन कलर का जब वो विजिटेड हो जाएगा। तो लिंक से संबंधित हमने एट्रीब्यूट, जो मेन जो एट्रीब्यूट है वो यही है, एक तो लिंक हो गया, एक विजिटेड हो गया, एक ओवर हो गया और एक एक्टिव हो गया। उसके बाद में हम लोग आते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट पे। हमारे नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारा बॉर्डर। बॉर्डर के बारे में देखिए, वापस मैं इंडेक्स पे आता हूँ। बॉर्डर हमें लेनी पड़ेगी, बॉर्डर के लिए हमें डिवीज़न करना पड़ेगा। तो div टैग मैं ले रहा हूँ, उसके लिए मैंने क्लास भी बनाई है। क्लास बराबर हम लोग ले लेते हैं, बॉर्डर बना रहे हैं तो बॉर्डर 1 ले लेते हैं, और भी बॉर्डर की अगर जरूरत पड़ेगी तो बॉर्डर 2, इस तरह से हम लोग लेते रहेंगे। अभी एंटर की दबा दी। अब ये जो है दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ बॉर्डर, तो ये हमारा हो जाएगा कि इसके अंदर हम लोग सारा इफेक्ट किसका देखेंगे, बॉर्डर का इफेक्ट देखेंगे। अब इसको मैंने सेव कर लिया। क्लास हमारी कौन सी है, बॉर्डर 1 है। मैं वापस इस एरिया में आ रहा हूँ मेरे, और अब मुझे यहाँ पर देनी है बॉर्डर। अब बॉर्डर से संबंधित क्या क्या एट्रीब्यूट होते हैं,
आपको पता है कि हमने क्लास बनाई है तो डॉट से शुरू होगा, बॉर्डर वन हुआ, कर्ली ब्रेसिस किया। कर्ली ब्रेसिस में सबसे पहला जो है वो है विड्थ। मैं विड्थ क्या रखना चाहता हूँ, तो मैंने विड्थ इसकी रखी है, विड्थ बराबर मैं रख लेता हूँ 500 पिक्सल रख लेते हैं ना, तो ये 500 पिक्सल होगी इसकी विड्थ। और अब आप देखिए कि लेंथ क्या रखनी है, तो ये मैंने LENGTH लेंथ, और लेंथ इसकी रख लेते हैं 300 पिक्सल। तो ये हमारा हो गया दूसरा एट्रीब्यूट, लेंथ हो गया, और ऊपर जो है इक्वल टू का सिंबल लग गया था, उसके बदले हम कॉलन का सिंबल लगाएंगे, और उसके बाद हमने सेमी कॉलन लगाया। ये हो गया विड्थ हो गया, लेंथ हो गया। अब जो बैकग्राउंड का कलर है वो रखना क्या है, ये भी तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा ना। तो बैकग्राउंड कलर, ये बैकग्राउंड का पहला ऑप्शन है, बैकग्राउंड कलर कौन सा लेना है। तो बैकग्राउंड कलर आपको जैसे मान लीजिए हम लोग रेड ले लेते हैं, ये बैकग्राउंड कलर हमने ले लिया रेड। और अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट है बैकग्राउंड में बॉर्डर क्या रखनी है, बॉर्डर की विड्थ क्या रखनी है, तो मैंने लिखा बॉर्डर और फिर क्या हो जाएगा विड्थ। अब देखिए इतने तरह के बॉर्डर के इफ़ेक्ट है, जैसे हमें ज़रूरत हो वैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। जो ज़्यादा यूज आ रही है वो मैं आपको एट्रीब्यूट बता रहा हूँ। बॉर्डर विड्थ मैं 5 पिक्सल की ले लेता हूँ, 5 पिक्सल की बॉर्डर इसके अंदर आ जाएगी। अब बॉर्डर जो हमारी बनेगी उसका कलर आप क्या रखना चाहते हैं, तो बॉर्डर और फिर हम लोग ले लेते हैं कलर। ये रहा हमारा कलर, कलर लेने के बाद में कलर कौन सा लेना है बॉर्डर का, कलर हम लोग ले लेते हैं ब्लैक, ब्लैक बॉर्डर रहेगी समझ में हमें आ जाएगी। तो हमने ब्लैक बॉर्डर ले ली। ब्लैक बॉर्डर लेने के बाद में बॉर्डर की स्टाइल कैसी रखना चाहते हैं आप लोग, तो आप इसको रख सकते हैं बॉर्डर स्टाइल। तो बॉर्डर की स्टाइल क्या रखनी है, ये देखिए अलग अलग इफेक्ट है, कलर लेनी हो बॉर्डर पे, इमेज लेनी हो, बॉर्डर स्लाइस है, बॉर्डर लेफ्ट राइट, सब तरह की चीज़ें हैं। लेकिन हमें अभी बॉर्डर की स्टाइल को चेंज करना है, तो बॉर्डर की स्टाइल जो है ये हमने ले ली है। और इस पर इफेक्ट देखिए क्या क्या है, इसमें इतने तरह के आप इफेक्ट दे सकते हैं, डबल है, डॉटेड है, डैश है। तो ज़्यादातर हम लोग सॉलिड लेते हैं, तो हम लोग सॉलिड इसके अंदर ले लेते हैं, और सभी कॉलर हमने लगा दिया। बॉर्डर जो है बंद हो गई है, इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। तो कंट्रोल एस मैंने प्रेस किया, मैं ये देखिए इस तरह से बॉर्डर आपकी आ रही है, और ये आपको इफेक्ट इसके अंदर दिख ही रहा है। तो कैसे आप बॉर्डर पे, आपने बॉर्डर सॉलिड ली है, बॉर्डर का कलर आपने ब्लैक लिया था, बॉर्डर की स्टाइल, बॉर्डर की विड्थ 5 पिक्सल की ली है, तो इस तरह से आपने जो जो इफेक्ट थे बॉर्डर से संबंधित आपने क्लास बना के वो सारे आपने देख लिए। इसी तरह से अगर आपने ये सारा लिखा है चाहे तो आप इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं। मैं साइड में लिख के आपको बता देता हूँ कि आप अगर चाहें तो इतना बड़ा ना लिख कर आप सीधा भी इस तरह से लिख सकते हैं कि बॉर्डर और फिर कॉलन, फिर आप सीधा डाल सकते हैं कि ये 5 पिक्सल की हो जाए, फिर स्पेस आपको देना है कि वो सॉलिड हो जाए, सॉलिड बॉर्डर हो जाए, और इसी तरह से सॉलिड के बाद ब्लैक। तो आप एक लाइन के अंदर भी ये सारा इफेक्ट दे सकते हैं, ये नहीं है कि आपको अलग अलग लेने की ज़रूरत है। ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप कोडिंग करेंगे तो लंबी कोडिंग से आप अवॉइड करना चाहेंगे, तो आप एक साथ में भी तीनों चीज़ें लिख सकते हैं। अब देखिए बॉर्डर का मैं आपको बताने वाला हूँ, बॉर्डर आपके जो है, बॉर्डर के हमने ये लगभग सारे देख लिए हैं, और बॉर्डर का रेडियस हम लोग बता देते हैं। बॉर्डर रेडियस जो है वो कैसे काम करता है, बॉर्डर रेडियस के अंदर मान लीजिए मैंने 5 पिक्सल एक बार रख के आपको बताता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे मैंने कंट्रोल एस किया तो बॉर्डर की अगर आप पिक्सल आप देखेंगे तो ये आपकी बॉर्डर है, इसमें यहाँ से 5 का इफेक्ट आ रहा है ना। एक चीज़ और आप देखिए कि जो है बॉर्डर का साइज अभी तक चेंज, ये देखिए यहाँ से कट इतना आ रहा है, इसको मैं थोड़ा और कट करना चाहूँ तो भी हम इसको कट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने इसको 50 का रख लिया, तो 50 पिक्सल्स का अब इफेक्ट इसके अंदर आपको दिखाई दे देगा। तो अब आप देखिए इसमें ज़्यादा आपको मूवमेंट आ गया है। तो आज हमने कर लिया बॉर्डर भी कर लिया है हमने, और इसी तरह से इसकी जो कोडिंग है बॉर्डर की हो गई, लिंक की हो गई, फॉन्ट की हो गई, टेक्स्ट की हो गई, ये सारी कोडिंग मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।